नमस्कार, मैं दिव्या कुमारी, आप देख रहे हैं गौसने टाइम्स। आज हम जानेंगे इस वीडियो मैगजीन के अंक में जनवरी माह से जून माह 2023 तक कॉलेज में जितने भी कार्यक्रम संपन्न हुए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनवरी माह से। 7 जनवरी गौसना कॉलेज के मास कॉम विभाग के सेमेस्टर 1 और 3 के विद्यार्थियों ने किया खादी मेले का भ्रमण, जहां विद्यार्थियों ने फील्ड रिपोर्टिंग की। 12 जनवरी गौसना कॉलेज मास कॉम विभाग ने मनाया राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसका शीर्षक भाग्य विधाता था। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित किया गया। 18 जनवरी को ग्रामीण बच्चों के लिए पढ़ने की सामग्री और बुजुर्गों के लिए कंबल वितरण का आयोजन किया गया। 19 जनवरी को मास कम्युनिकेशन के द्वारा प्रैक्टिकल सह पिकनिक का आयोजन किया गया, जहां विद्यार्थियों ने फूड फोटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और प्रकृति व्लॉगिंग की। 24 जनवरी को हिंदी अंग्रेजी भाषा में स्लोगन लेखन प्रतियोगिता और 25 जनवरी को चित्रांकन प्रतियोगिता किया गया। दिनांक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 300 के लगभग विद्यार्थियों ने भाग लिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि चेयरमैन मॉडरेटर जॉन डंग के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया और उनके द्वारा कहा गया, देश के विकास में विद्यार्थियों की भूमिका अहम है। 7 फरवरी को विभागीय न्यूज़लेटर का विमोचन प्राचार्य प्रोफेसर इलानी पूर्ति के द्वारा किया गया, साथ ही वीडियो मैगजीन की स्क्रीनिंग भी की गई। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि सफल होने के लिए थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जरूरी है। 22 फरवरी दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार संतोष चौधरी के साथ नैतिकता विषय पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आज के दौर में मीडिया की नैतिकता का मूल्य नहीं रह गया है, जिससे पत्रकार अपनी नैतिकता में काम नहीं कर पा रहे। 25 फरवरी विद्यार्थियों ने रांची के रेल मंडल के DRM कार्यालय का शैक्षणिक भ्रमण किया, जहां जनसंपर्क अधिकारी गुरमीत सिंह द्वारा रेलवे के विकास से संबंधित वीडियो दिखलाया गया। साथ ही ट्रेन लाइन, रेलवे बजट, वंदे भारत एक्सप्रेस स्टेशन जैसी जानकारियां दी गई। 3 एवं 4 मार्च को द्वितीय गौसना सिनेफेस्ट का आयोजन किया गया, जहां पूरे देश से आई सभी तरह की शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एल्बम की स्क्रीनिंग की गई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जॉन डंग और महुआ मांझी मौजूद रहे। 23 मार्च सरहुल पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर तेज मुंडू ने सरहुल पर जल जंगल जमीन से जुड़े झारखंड के प्रथाओं को सभी विद्यार्थियों के साथ साझा किया। 1 अप्रैल को प्रोफेसर संजय बोस द्वारा जगन्नाथ मंदिर परिसर में फोटो वॉक कराया गया, जिसमें विद्यार्थियों को फोटोग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त की। 29 अप्रैल को प्रेस क्लब द्वारा मीडिया कप वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पत्रकार, गौसना कॉलेज मास कॉम और रांची वुमेन्स कॉलेज की छात्राएं शामिल हुई। 1 मई को फील्ड रिपोर्टिंग विद्यार्थियों को पत्रकारिता से जुड़ी जानकारी दी गई। इसके साथ ही करियर के बारे में बताया गया। मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों ने 10 दिवसीय एजुकेशन टूर के लिए गोवा और मुंबई का भ्रमण किया, जहां उन्होंने गोवा के विभिन्न स्थानों पर फोटोग्राफी एवं मुंबई में फिल्म सिटी का दौरा किया। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अवसर पर कॉलेज के प्रोफेसरों के द्वारा कैंपस में वृक्षारोपण किया गया। 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर गौसना कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के शिक्षकों ने योग किया और योग के लाभों को जाना। 27 जून को रांची से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान गौसना कॉलेज के विद्यार्थी के साथ ही अन्य स्कूल के विद्यार्थी भी मौजूद रहे। तो ऐसी जानकारियों के लिए ही जुड़े रहे गौसना टाइम्स के साथ। धन्यवाद।